जी प्रमाण सागर जी महाराज और अरहत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आपके आशीर्वाद से आज हम सबकी जो पहाड़ वंदना थी वो सानंद संपन्न हो गई है। महाराज जी, महाराज जी मेरा एक सवाल है। पिछले कुछ समय से मैं स्वाध्याय शुरू किया है मैंने, तो जब हम देखते हैं कि मनुष्य लोक का विस्तार 45 लाख योजन है और जो सिद्धालय है उसका विस्तार भी 45 लाख योजन है, और हमने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है और गुरुजनों से भी सुना है कि मतलब सिद्धालय का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से सिद्ध नहीं बने हो, मतलब पूरे 45 लाख योजन में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से सिद्ध नहीं बने हैं। लेकिन महाराज जी एक शंका उठती है कि जो हमारे हम सिद्ध क्षेत्र के रूप में कुछ ही क्षेत्रों को प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो ऐसा क्यों है महाराज जी? एक तो ये शंका है। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 45 लाख योजन में पूरा मनुष्य लोक है और मनुष्य लोक के एक एक प्रदेश से सिद्ध हुए, ये यथार्थ। फिर भी इन सिद्ध क्षेत्रों की इतनी प्रमुखता क्यों? ये इसलिए कि हम आज जिन सिद्ध क्षेत्रों की आराधना करते हैं वे सब वर्तमान तीर्थ काल में निर्वाण प्राप्त भगवंतों की भूमि, इसलिए इन्हें सिद्ध निषिद्धिका कहते हैं। इससे पूर्व की 24ियों में, इससे पूर्व के कल्पकालों में अलग अलग स्थानों से हुए, पर ये जो स्थान है एकदम ताजे हैं। इनका सीधे ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान पर्यंत का तीर्थ काल से नाता है, इसलिए हम लोग इनको प्रमुखता देते हैं। हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है सभ्य शुद्धाहु शुद्ध ने, कहा गया हर आत्मा सिद्ध है, पर हम पूजा किसकी करते हैं? जो सिद्ध हो गए, हाँ, जो सिद्ध जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। क्यों? हर आत्मा सिद्ध है पर हमें सिद्ध दिखते कहाँ हैं? हमें दिखने लगे तो हम प्रणाम कर देंगे। हर भूमि सिद्ध भूमि है पर हमें उसका आभास नहीं होता, क्योंकि उस भूमि को हमने अशुद्ध कर दिया है। ये सिद्ध भूमि है, इसे शुद्ध बना के रखा है, यहाँ हमें शुद्ध प्रेरणा मिलती है, इसलिए यहाँ वंदना करते हैं। इसलिए एक सलाह दूंगा, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं उनकी शुद्धि को बनाए रखने का उपक्रम करो। आप लोग पर्वतराज की वंदना करते हो, यहाँ बहुत गंदगी फैला रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रही है। लोग कहते हैं पर्वत में इतना ज़्यादा पॉलीथीन और अन्य चीज़ें जा रही है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़ भी पॉलीथीन का रूप ले ले। गंदगी से बचिए, पवित्रता को बचाइए, तभी इस सिद्ध भूमि में आने का लाभ होगा। आज जो आनंद आपको मिलता है, जो ऊर्जा आप पाते हैं, जो अनुभूति आप कर पाते हैं, वह केवल इसलिए कर पाते हैं कि सिद्ध क्षेत्र में पवित्रता है। जब तक ये पवित्रता है ये भूमि सिद्ध भूमि बनी रहेगी। जिस दिन पवित्रता खत्म होगी इसकी शुद्धता समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो शुद्ध भूमि है वही हमारे लिए सिद्ध भूमि है और हम उनको ही मुख्य रूप से पूजते हैं।